वेलकम बैक टू मैकरेल दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फास्टनर्स की। किन्हीं पार्ट्स को जोड़ने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं हम, उसे फास्टनर्स कहते हैं। ये फास्टनर्स आपके कई टाइप के होते हैं, जैसे बोल्ट, नट्स, रिवेट्स और भी कई सारे फास्टनर्स होते हैं हमारे। क्लियर? आज जिस पर्टिकुलर फास्टनर की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ बोल्ट। क्लियर? अगर हम इस बोल्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस टाइप का इसका अपीयरेंस होता है बोल्ट का। इस बोल्ट के ऊपर जो ये पार्ट लगा है, जो ये कंपोनेंट है, इसको हम नट कहते हैं। क्लियर? अब इस बोल्ट के ऊपर ये थ्रेड्स कटे हैं ताकि इस पर ये नट आराम से मूव करके अंदर की तरफ सेट हो जाए। क्लियर? और ये क्लैंप कर ले पार्ट्स को। इसीलिए ऐसे फास्टनर्स जिसके ऊपर स्क्रू थ्रेड्स कटे होते हैं, दे आर नोन एज स्क्रूड फास्टनर्स। क्लियर? जैसे यहाँ पर, जैसे बोल्ट, नट्स, स्क्रूज, ये सारे आपके स्क्रूड फास्टनर्स कहलाए जाते हैं। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। अब बात की जाए ये जो पर्टिकुलर आपका बोल्ट है, इसके नॉमनक्लेचर की। क्लियर? कि आखिर बोल्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो ये बोल्ट का आपके हेड होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये जो टॉप पोर्शन है, ये बोल्ट का हेड है आपके। तो भाई ये हमारे बोल्ट का हेड है। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी इसकी शाफ्ट है, क्लियर, ये इसकी नॉमिनल लेंथ कहलाई जाती है। यानी कि हेड से स्टार्ट है, हेड के बेस से स्टार्ट है और बिल्कुल एंड तक जो भी आपकी टोटल लेंथ आ रही है, इट इज़ नोन एज नॉमिनल लेंथ। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस बोल्ट और इस शैंक के बीच में एक यहाँ पर फिलेटेड रेडियस होता है। जहाँ से थ्रेड की शुरुआत होती है वो हमारा रनआउट कहलाता है। देखिए ये पोर्शन आपका, ये टिप आपकी रनआउट है। रनआउट से लेकर थ्रेड के एंड तक जो भी लेंथ आती है, इसे हम थ्रेड लेंथ कहते हैं। और इस रनआउट से लेकर ये जो आपके हेड का बेस है, यानी हेड का जो बॉटम है, यहाँ तक की जो लेंथ है आपकी, ग्रिप लेंथ कहलाती है। अब देख लेते हैं कि बोल्ट का डेजिग्नेशन किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स हैं। तो 6 साइडेड ऑब्जेक्ट को हम हेक्सागन कहते हैं और ये बोल्ट हमारा हेक्सागोनल बोल्ट है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हेक्स बोल्ट, यानी हेक्सागोनल बोल्ट। अब जितने भी बोल्ट्स हैं ये आपके M से आइडेंटिफाई होंगे। क्लियर? M का मतलब यहाँ पर मेट्रिक सिस्टम है, यानी साइज की बात कर रहे हैं तो मेट्रिक सिस्टम में इसका साइज प्रोवाइडेड है हमारे पास। ये जो 20 है ये आपके शैंक का डाया है, यानी ये जो शैंक है हमारी, इसका जो डायमीटर है ये हमारा शैंक डाया कहलाया जाएगा। और जो लास्ट में 100 लिखा है ये लेंथ है आपकी। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक की जो नॉमिनल लेंथ है ये आपकी 100 mm है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, रिकमेंडेड डायमीटर और नॉमिनल लेंथ ऑफ बोल्ट, स्क्रू, स्टड, थ्रेड लेंथ, ये सारे अवेलेबल होते हैं आपके IS 4206 में। चलिए अब आगे बात करते हैं कितने टाइप के बोल्ट्स होते हैं हमारे। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं शेप ऑफ हेड की, यानी हेड का शेप कैसा है, उसके बेसिस पर कितने टाइप के बोल्ट्स होते हैं। तो मेनली हमारे पास यहाँ पर 6 टाइप के बोल्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका हेक्सागोनल, नेक्स्ट वन स्क्वायर बोल्ट, फिर आपका सिलेंड्रिकल या चीज हेडेड, अगला कप और राउंड, फिर टी हुक और नेक्स्ट हमारा आता है आई बोल्ट। आइए आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसको। भाई सबसे पहले बात की हमने हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट्स की, तो यहाँ पर ये 3 ग्रेड्स के बोल्ट्स होते हैं हमारे हेक्सागोनल हेडेड। सबसे पहला प्रिसीजन, नेक्स्ट वन सेमी प्रिसीजन और तीसरा ब्लैक। क्लियर? अब इनको हम कुछ लेटर से डिनोट करते हैं और ये हैं कैपिटल A, B और C। क्लियर? अब ये डेजिग्नेशन किस तरीके से देते हैं लेटर्स का, ये डिपेंड करता है इनकी डायमेंशनल एक्यूरेसीज के ऊपर। क्लियर? अगर हम बात करें हेक्सागोनल बोल्ट ग्रेड A और ग्रेड B की, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो IS 1364 के पार्ट 1 में M3 से लेकर M36, यानी टोटल 12 साइजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये आपको मिल जाएंगे IS 1364 में। अब ग्रेड C की बात करें तो ये IS 1363 में मिलेगा आपको पार्ट 1 में, और यहाँ पर M5 से लेकर M36 तक 10 साइजेस में अवेलेबल है। ग्रेड सी की बात करें यानी ब्लैक, तो IS 3138 जो आपका M42 से लेकर M156 यानी 23 साइजेस में अवेलेबल है आपका। क्लियर? यहाँ पर एक हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट अवेलेबल है हमारे पास,
जिसपे एक नट लगा है और एक वॉशर लगा है, क्लियर। तो ये हमारा नट हो जाएगा और ये हमारा वॉशर हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो सबसे पहले बात करें इस बोल्ट के शैंक की डायमीटर, तो ये हमारा डी से डिनोट होगा। अगर ये डी है तो जो हमारा नट है वो भी डी से डिनोट। ये जो वॉशर है उसका डायमीटर 0.15 ऑफ डायमीटर ऑफ शैंक हो जाएगा। ये जो थ्रेड लेंथ है ये आपका 2D तक जाएगी, यानी 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ शाफ्ट तक जाएगी, डायमीटर ऑफ शैंक कह लीजिए। और ये जो नट है, अब इस नट के साइज की बात करें तो ये नट हमारा 2D यानी 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर में जाएगा। और ये जो हमारे बोल्ट का हेड है ये 2D+4 में इसका मेजरमेंट आएगा। और ये जो आपका हेक्सागोनल हेड है इसकी जो थिकनेस है वो 0.75D आएगी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्वायर हेडेड बोल्ट की। अगर हम बात करें इस स्क्वायर हेडेड बोल्ट की तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़फुल बोल्ट है हमारा, जो इंडस्ट्री में या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारा यूज़ होता है। अब इसकी स्क्वायर हेड का ये एडवांटेज है कि ये आसानी से एक स्क्वायर कैविटी के अंदर सेट हो जाता है। अब अगर ये हेड हमारा सर्कुलर होगा तो ये आसानी से रोटेट हो सकता है, क्लियर। अब इसी डिसएडवांटेज को रोकने के लिए हमने इसका जो हेड है वो स्क्वायर शेप में कर दिया है। स्क्वायर शेप में होने की वजह से ये कैविटी में आसानी से सेट हो जाएगा और रोटेशन इसमें नहीं पॉसिबल होता है, यानी ये रोटेशन को अवॉइड करेगा जब हम नट को लगाते हैं, क्लियर। अब अगर इसी ग्रेड की बात करें तो ये ग्रेड सी यानी ब्लैक, जो कि IS 2585 में मिलेगा हमें, और इसके जो डायमीटर्स हैं वो 6 से लेकर 39 mm तक अवेलेबल है 15 साइज के फॉर्म में। जब इस बोल्ट पर हम नट को लगा रहे होते हैं तो बोल्ट के रोटेशन को रोकने के लिए हम इस बोल्ट में एक पिन का यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ये आपकी पिन लगी हुई है 0.2D की, ये रही आपकी पिन, ऐसे देख सकते हैं, क्लियर। अब इस बोल्ट को टाइट करने के लिए स्पैनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इस बोल्ट का जो हेड है वो आपका सिलेंड्रिकल या आप कह लें राउंड हेडेड होता है, क्लियर। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ऑन बिग एंड्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड्स, इसेंट्रिक्स एट्सेट्रा। यानी इस टाइप के बोल्ट्स बेसिकली आपके कनेक्टिंग रॉड्स पर यूज़ होते हैं, कनेक्टिंग रॉड के एंड्स पर यूज़ होते हैं आपके, ठीक है, बिग एंड्स पर। अच्छा, अब बात की जाए इसकी डेजिग्नेशन की, तो कुछ इस टाइप से इसका डेजिग्नेशन होता है। अगर इस शैंक की डायमीटर डी है तो इस बोल्ट का जो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट है, यानी बोल्ट का जो हेड है आपका, वो आपका 1.5D का होगा, क्लियर। अब इसकी जो पेन है, पेन आपकी 0.2D, देखिए यहाँ पर भी लिखा है ये 0.2D, यानी 0.2D का प्रोजेक्शन होता है, और स्मॉल पेन जो है वो 0.12D की, क्लियर। तो दोस्त यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है ये आपका 0.2D का है और ये आपका 0.12D की है, क्लियर। डी यानी डायमीटर ऑफ शैंक हो जाएगा। अब ये जो बोल्ट का हेड है इसकी जो हेड की जो थिकनेस है ये आपकी 0.8 × D, यानी 0.8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ शैंक हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कीजिए कप हेडेड या राउंड हेडेड बोल्ट्स की, तो कुछ इस टाइप का शेप होता है इसका। यानी कप हेडेड या राउंड हेडेड बोल्ट्स का जो शेप है ये आपका हेमिस्फेरिकल होता है। अब इसकी बात करें, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर स्नग लगा होता है, स्नग या कह सकते हैं आप एक स्क्वायर नेक होती है। यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर ये स्क्वायर नेक होती है इसकी, क्लियर। ये स्नग तब आपका फॉर्म होता है जब आपकी फोर्जिंग होती है। आपको पता है ना कि फोर्जिंग एक ऑपरेशन होता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। फोर्जिंग करते समय स्क्वायर नेक या स्नग डेवलप हो जाता है इस बोल्ट पे, क्लियर। इसका जो फंक्शन है वो राउंड हेडेड बोल्ट की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम होता है आपका। इसके डेजिग्नेशन की बात करें तो ये डी आपका डायमीटर ऑफ शैंक हो जाएगा। अच्छा, इस शैंक की जब हमने बात कर ली तो ये जो हमारा इसका जो हेमिस्फेयर है, इसकी जो थिकनेस है, मतलब ये जो ये पोजीशन आ रही है ये 0.8 टाइम्स डायमीटर ऑफ शैंक हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं स्नग या स्क्वायर नेक को, इसकी जो थिकनेस है ये 0.8 टाइम्स D है। टी हेडेड बोल्ट की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है ये टी शेप का होगा। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये कुछ टी जैसा अपीयरेंस आ रहा है हमारे बोल्ट्स का, क्लियर। और ये यूज़ कहाँ पर होता है? ये टी स्लॉट्स में यूज़ होता है, यानी जो मशीन टूल्स की जो टेबल होती है खासकर वहाँ पर ये यूज़ होते हैं जहाँ पर
टी टाइप का अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, टी टाइप का स्लॉट। अब टी टाइप के स्लॉट के कई सारे एडवांटेज हैं, जैसे ये रोटेट नहीं होता है जब हम इसे टाइट कर रहे होते हैं, यानी नट को जब इसके ऊपर टाइट कर रहे होते हैं, नट लगा रहे होते हैं, तब ये आपका रोटेट नहीं होता है वहाँ पर, जिससे इसकी ग्रिप अच्छी बन जाती है। अब इसकी जो नेक है, नेक यूजुअली स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की होती है इसकी, क्लियर। ये जो टी हेडेड बोल्ट्स हैं, इसकी जो नेक है यूजुअली स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की हो जाएगी। यूजुअली की बात कर रहा हूँ, हमेशा नहीं, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब इनका यूज़ मशीन टूल्स के साथ साथ स्टफिंग बॉक्स और बॉयलर माउंटिंग्स की, यानी जो बॉयलर की जो माउंटिंग होती है उसकी ग्लैंड्स पर यूज़ करते हैं, क्लियर। चलिए कुछ इस टाइप का देखिए अपीयरेंस होता है। ये आपका D2, ये आपका D1, D1 यानी डायमीटर ऑफ शैंक हो जाएगा आपका। फिर ये जो हम बीच का जो पोर्शन देख रहे हैं इसके नेक का, इसको हमने ए माना है। इसके बाद थिकनेस के से डिनोट की गई है। ये जो चैम्फर प्रोवाइडेड है, ये 45 डिग्री का चैम्फर है यहाँ पे। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो चैम्फर है ये भी आपका 30 डिग्री का है। और ये जो पूरा का पूरा आप नॉमनक्लेचर देख रहे हैं, ये आपका IS 2014 के हिसाब से, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग। चलिए बात कीजिए हुक बोल्ट्स की। हुक बोल्ट का अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होता है। ये जो बोल्ट्स हैं हमारे, ये ऐसी जगह यूज़ होते हैं जहाँ पर ड्रिल करना पॉसिबल नहीं होता है। अब बात करते हैं, अगर डायमीटर ऑफ शैंक डी है हमारी, तो जो ये वाला पोर्शन है इतना, ये आपका 0.8 टाइम D हो जाएगा। और ये जो आप हेमिस्फेयर देख रहे हैं सेमी सर्कुलर फॉर्म का, ये जो रेडियस है ये डायमीटर के बराबर हो जाएगी, डी यानी डायमीटर ऑफ शैंक के बराबर हो जाएगी आपकी, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं लिफ्टिंग आई बोल्ट्स। ये कॉमनली यूज बोल्ट है, आपने कई जगह देखा होगा। जैसे कई बार हम टोज करते हैं जब गाड़ियों को, तो गाड़ी में कुछ इस टाइप का बोल्ट हमारा फिट होता है टो करने के लिए। चलिए इसका जो हेड है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का, ये टार्सो की तरह होता है, क्लियर, यानी एक रिंग की तरह है। अब इसे हम फोर्ज करते हैं, क्लियर, इसे हम फोर्ज करते हैं वॉशर शेप बेस और शैंक के साथ। इसका जो शैंक है ये थ्रेडेड होता है, देखिए यहाँ पर ये थ्रेड्स बने हुए हैं ताकि आसानी से क्लैंप हो जाइए। और ये खासकर मशीन व्हीकल मोटर बॉडीज़ में फिट हो जाता है। अब यूज़ कहाँ पर होता है इसका? यूज़ होता है लिफ्ट मशीन और मोटर्स फॉर शिफ्टिंग एंड अलाइनिंग ड्यूरिंग इरेक्शन। जब मशीन्स हमारी इरेक्ट हो रही होती हैं, उनकी पोजिशनिंग कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी कर रहे होते हैं, तो इन बोल्ट्स का हम यूज़ करते हैं ताकि आसानी से हम उन्हें लिफ्ट कर सकें, वर्टिकल माउंटिंग्स प्रोवाइड कर सकें और उनकी जो स्ट्रक्चर को है कम्प्लीटली इरेक्ट बना सकें, ठीक है। देखिएगा ये जो हमारा आई हेडेड बोल्ट है, इसका जो आउटसाइड डायमीटर है, इसे हम कहते हैं आई आउटसाइड डायमीटर। अंदर वाला डायमीटर हमारा आई इनसाइड डायमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये थ्रेड लेंथ, ये आपका बोल्ट है, ये आपका नट है जो इसके ऊपर लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, और ये आपकी ओवरऑल लेंथ हो जाएगी, क्लियर। लिफ्टिंग आई बोल्ट यहाँ पर देख लीजिए और डिटेल में, तो आउटर डायमीटर जो है 3.1 टाइम्स D। अब D क्या है? D आपका डायमीटर ऑफ शैंक, क्लियर। तो जो आउटर डायमीटर है ये 3.1 टाइम्स D हो जाएगा, डायमीटर ऑफ शैंक। इनर डायमीटर 1.5 टाइम्स D। ये जो आप इस तरीके का शेप देख रहे हैं, ये वाला, इसका जो थिकनेस है ये आपकी 0.4 टाइम्स D हो जाएगी। ये आपका शेप आ रहा है इस शेप की, इस सर्कल के सेंटर से, यानी आई के सेंटर से जो आपकी मेजरमेंट होगी वो आपका 2 टाइम्स D है। अब नीचे जो थ्रेड की लेंथ है ये 1.5 टाइम्स आपकी D है, क्लियर। अब ये तो हमने बात की थी यहाँ पर इस पोर्शन के थिकनेस की। अब इसके साइज़ की बात कर लें, तो इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक जो यहाँ पे आपका मेजरमेंट आ रहा है ये 2 टाइम्स D आएगा। और ये जो टार्सो रिंग बनाई है हमने, ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में, तो जो यहाँ पे सर्कल बनेगा उसका जो डायमीटर वो 3/4 D आएगा। अब बात करते हैं काउंटर संक हेडेड बोल्ट की। नाम से पता चल रहा है काउंटर संक, काउंटर संक का मतलब कुछ इस टाइप का शेप होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चैम्फर है, अभी चैम्फर आपका 45 डिग्रीज में होता है, क्लियर। यहाँ पर एक 0.12 टाइम्स D यानी डायमीटर ऑफ शैंक का यहाँ पर एक स्नग क्रिएटेड है। और ये जो हेड है, इस हेड का जो डायमीटर है वो आपका 1.8 टाइम्स D यानी डायमीटर ऑफ शैंक है। अच्छा बात कर लेते हैं यहाँ पर स्नग क्यों यूज़ कर रहे हैं। इस स्नग की हेल्प से हम इसके रोटेशन को रोक सकते हैं, हम इसके रोटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लियर, ताकि जब ये किसी होल पर आसानी से सेट होगा तो वहाँ से रोटेट ना कर पाए, क्लियर, कैविटी से रोटेट ना कर पाए। चलिए आगे बात करते हैं कैप स्क्रू और टैप बोल्ट। जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम वहाँ नट का यूज़ कर सकें, क्लियर, जैसे
बहुत ही ज़्यादा डेप्थ की आपके पास एक कैविटी है। अब उस कैविटी के अंदर आपको क्लैंप करना है पार्ट को, क्लियर? तो आप बोल्ट का यूज़ करेंगे। अच्छा, बोल्ट के साथ नट लगाना अनिवार्य होता है, अभी तक ऐसा हम सोचते थे, ठीक है। अब जब कैविटी इतनी डीप है तो उसके अंदर नट लगाना तो पॉसिबल होगा नहीं हमारे लिए बिकॉज ऑफ इट्स डेप्थ। सो ऐसी जगह हम इन कैप स्क्रू या टैप बोल्ट्स का यूज़ करते हैं, क्लियर? देखिए लिखा भी है, वेयर देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग अ नट, जब पॉसिबिलिटी नहीं है नट को यूज़ करने की तो टैप्ड होल प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू रिसीव लेटेस्ट नोटिफिकेशन।